हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 17 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारे नई वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न थाईलैंड ओपन 2018 किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा जापान की नोजामी ओकुहारा ने, और उनका यह फाइनल मुकाबला भारत की स्टार सेटलर पीवी सिंधु के साथ था, और सिंधु के खिलाफ नोजामी ने यह मुकाबला 21-15 21-18 से जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य द्वारा। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर देने के लिए आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी से नहीं डरता हूँ नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकादमी ने इस वर्ष के काल निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसमें आंसर आएगा गायिका अरुणा साईराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया, जिसके संबंध में कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, यह दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप मिसाइल है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण DRDO एवं रूस ने किया। नेक्स्ट है, इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। इसमें आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ABC तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुलभ जल नामक दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा बिहार राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त में आयोजित शांति मिशन अभियान में भारत पाकिस्तान पहली बार एक साथ आतंक विरोधी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे, जिसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसमें आंसर आएगा इस अभ्यास का आयोजन रूस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 4 नए सदस्य नामित किए गए हैं, जिसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इन्हें अनुच्छेद 80 के तहत नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, 4 नए सदस्य जो नामित किए गए हैं ये है राम सकल, रमेश सिन्हा, रघुनाथ मोहापात्र, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर चुने जाते हैं। तो इसमें आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न सर्बिया युवा मुक्केबाजी के 36वें गोल्डन ग्लोव टूर्नामेंट में भारत प्रथम स्थान पर रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आंसर आएगा, भारत के लिए खेलते हुए 4 पुरुषों और 3 महिलाओं ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते, यानी टोटल गोल्ड मेडल 7 गोल्ड मेडल जीते, और भारत ने 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और इन्हीं के साथ भारत ने टोटल 17 पदक जीते, और इन पदकों के साथ भारत नंबर 1 की पोजीशन पर रहा, और इस आयोजन में टोटल 17 देशों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई को ब्राजील में संपन्न 7वें विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आंसर आएगा 9 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य किस स्थान पर वार्ता आयोजित की जा रही है? तो इसमें आंसर आएगा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को मगरमच्छ द्वारा काटे जाने से हुई मौत का बदला लेने के लिए किस देश में लोगों ने 300 मगरमच्छों को मार डाला? तो इसमें आंसर आएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाने से हर साल पूरे विश्व को 30 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता है? तो इसमें आंसर आएगा विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 का गोल्डन बाल अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा लुका मोड्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व
सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण स्टील ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आई मंडी नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा इफको द्वारा, इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध किस भारतीय नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सोन नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर और गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही स्वाति बी बरुआ के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र की पहली ट्रांसजेंडर जज, नेक्स्ट है आसाम की पहली ट्रांसजेंडर जज, नेक्स्ट है बंगाल की पहली ट्रांसजेंडर जज और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2018 के लिए पुरुष एकल वर्ग प्रतियोगिता में खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस है केविन एंडरसन, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मरे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।